दोस्तों, जब से नया मोटर व्हीकल अधिनियम 2019 लागू हुआ है, तब से आप लोग आए दिन न्यूज में देख रहे होंगे कि लगातार लोगों के चालांस कट रहे हैं, और वो भी कोई छोटे चालांस नहीं, लंबे लंबे चालांस कट रहे हैं, जैसे कि 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक के चालांस अभी तक कटे हैं। तो दोस्तों, जरूरी है कि आप लोग जो भी व्हीकल चला रहे हो, चाहे वो टू व्हीलर चला रहे हो या फिर फोर व्हीलर चला रहे हो, उसके सारे कागज आप लोग अपडेट रखें। इसी क्रम में आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग घर बैठे बड़ी आसानी से मात्र 3 मिनट के अंदर ही ऑनलाइन अपने गाड़ी का इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं, चाहे वो टू व्हीलर का करना हो या फिर फोर व्हीलर का करना हो। दोस्तों, अगर आप लोग इस तरीके से ऑनलाइन अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं, तो आप लोग को कहीं भी आप लोग ट्रेवल कर रहे हो, तो आप लोग को इसकी इंश्योरेंस की हार्ड कॉपी लेकर आप लोग को चलने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग बस इतना ही करना होगा कि अपने मोबाइल में उसकी सॉफ्ट कॉपी आप लोग रख लेंगे, तो आप लोग जब भी पुलिस आप लोग को रोकेगी, तो आप लोग वेरिफिकेशन के लिए सॉफ्ट कॉपी ही दिखाकर अपना काम चला सकते हैं। दोस्तों, जिस एप्लीकेशन के थ्रू मैं आप लोग को इंश्योरेंस करने सिखाने जा रहा हूं, वो एप्लीकेशन काफी ट्रस्टेड है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। इसका नाम policybazaar.com है, इसकी वेबसाइट भी है और इसका एप्लीकेशन भी आता है। तो आप लोग प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे या फिर लैपटॉप में अपने इसके वेबसाइट से भी आप जाकर बड़े आसानी से अपने बाइक या फिर कार का इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को अपने मोबाइल में पॉलिसी बाजार एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग को अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर देना है। मैंने अपना मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड कर दिया है। इसके बाद फिर मैं इसको डायरेक्टली ओपन करता हूँ। तो ओपन होने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से पॉलिसी बाजार से आप सिर्फ कार और बाइक का इंश्योरेंस के अलावा भी कई सारे इंश्योरेंस यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आज मैं आप लोग को टू व्हीलर और कार का यहाँ पे इंश्योरेंस करने के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को टू व्हीलर के बारे में बता दूं। तो सबसे पहले अगर आप लोग को अपने बाइक का इंश्योरेंस कराना हो, तो यहाँ पे टू व्हीलर पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, मतलब कि आपको अपने गाड़ी का नंबर यहाँ पे आप लोग को फिलअप करके यहाँ पे गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके बाइक की सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होने लगेगी। इसके बाद यहाँ पे दे रहा है प्रीवियस इंश्योरेंस। तो जिस भी कंपनी से आपने पिछली बार इंश्योरेंस कराया था, वहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोग को याद नहीं, तो यहाँ पे डोंट रिमेम्बर पे क्लिक करके आप लोग को यहाँ व्यू क्यूटोज पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज पे जैसा कि आप देख रहे हैं, सारी कंपनियां जो बाइक का इंश्योरेंस करती हैं, यहाँ पे शो होने लगेंगी। इसके ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं, तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, कॉम्प्रेंसिव, जीरो डेप, थर्ड पार्टी ओनली। तो यहाँ पे कॉम्प्रेंसिव का मतलब यह है, जब भी आप लोग क्लेम करेंगे इंश्योरेंस के लिए, तो आप लोग को सारा क्लेम कैश में मिल जाएगा। इसके साथ अगर आप लोग जीरो डेप के थ्रू अपना इंश्योरेंस कराते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप लोग को कैशलेस, यानी कि आप लोग को कोई भी कैश नहीं मिलेगा। जब भी आप लोग क्लेम करेंगे, आप लोग को इसमें करना ये होगा कि आप लोग को अपनी बाइक जो है वहाँ एजेंसी पे खड़ी कर देने होगी, और जिस भी कंपनी से आप लोग अपना इंश्योरेंस कराए रहेंगे, वो कंपनी वाले आएंगे और सारा यहाँ पे जो भी आप लोग का खर्चा होगा, वो वहाँ पे बाइक को पूरा तरीके से ठीक कर देंगे। और थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है, थर्ड पार्टी के थ्रू अगर आप लोग अपना इंश्योरेंस कराते हैं, तो आप सिर्फ चालान कटने से ही बच सकते हैं, आप लोग को कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। तो आप लोग जिस भी कैटेगरी में अपना इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कॉम्प्रेहेंसिव में चूज किया है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं, सारी कंपनियों के प्राइस और आईडीवी वैल्यू यहाँ पे शो होने लगेंगे। तो आईडीवी वैल्यू में मतलब कि जब भी आप लोग क्लेम करेंगे, तो उतना पैसा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे कि जिस भी कंपनी का सबसे कम प्राइस हो और इसके साथ ही आईडीवी वैल्यू ज़्यादा, वहाँ पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एचडीएफसी एग्रो का सबसे ज़्यादा आईडीवी वैल्यू है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। इसके बाद क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज पर सबसे पहले आप लोग बाइक के ओनर का नेम फिलअप कर देंगे, इसके बाद उसका मोबाइल नंबर फिलअप होगा, इसके बाद फिर ईमेल आईडी आप लोग फिलअप कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे आप लोग अपना एड्रेस फिलअप कर देंगे, एड्रेस फिलअप करने के बाद पिन कोड आप लोग फिलअप कर देना, इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेना, इसके बाद यहाँ पे सेकेंड स्टेप के लिए आप लोग को कंटिन्यू स्टेप सेकेंड पे क्लिक कर देना है। तो इस पेज पर सबसे पहले आप लोग को नॉमिनी नेम फिलअप करना है, तो जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नेम फिलअप कर देंगे, उसके बाद फिर नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे, नॉमिनी की एज फिलअप करने के बाद आप लोग को यहाँ पे स्टेप थर्ड के लिए कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, और इस पेज पे आप लोग को सबसे पहले अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो जैसे आप लोग अपने बाइक का यहाँ पे या फिर कार का रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करेंगे, आपके बाइक का इंजन नंबर, चेचिस नंबर, इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन डेट, मैन्युफैक्चरिंग ईयर इत्यादि यहाँ पे शो होने लगेगा। अगर इसमें आप लोग कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, तो चेंजेस भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को नॉर्मली सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है।
तो इस पेज पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके इंश्योरेंस की IDV वैल्यू शो कर रही है, इसके साथ ही यहाँ से आप लोग एक साल के लिए, दो साल के लिए या फिर तीन साल के लिए अपने बाइक के या फिर कार का इंश्योरेंस करा सकते हैं। यहाँ पे जो नेट प्रीमियम प्राइस है 914 रुपए है, प्लस GST आप लोग को 165 रुपए पड़ जाएगा। तो टोटल पे आपको करना पड़ेगा 1079 रुपए आप लोग को टोटल पे करना पड़ जाएगा। और इसकी सारी डिटेल्स आप लोग के व्हाट्सएप पे और इसके साथ ही आप लोग के जीमेल पे और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दी जाएगी। तो यहाँ से सारी डिटेल्स आप लोग एक बार चेक कर लेंगे, अगर कुछ एडिट करना हो तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे पे सिक्योरली पे डायरेक्टली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग पे सिक्योरली पे क्लिक करेंगे, पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ से आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, EMI के जरिए आप लोग अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मेरा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है और यहाँ पे कंग्रेचुलेशन भी लिख रहा है। तो इस तरीके से आप लोग बड़ी आसानी से घर बैठे मात्र 3 मिनट के अंदर ही अपना बाइक या फिर कार का इंश्योरेंस कर सकते हैं। और इसी ऐप के थ्रू आप लोगों को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा अपना इंश्योरेंस पॉलिसी। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग घर बैठे बड़े आसानी से मात्र 3 मिनट के अंदर ही अपने बाइक या फिर कार का इंश्योरेंस कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद जैसे ही आप लोग पेमेंट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया, जैसे ही आप लोग पेमेंट करेंगे आपके ईमेल पे और आपके व्हाट्सएप पे और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, तीनों ही जगह आपके ईमेल आ जाएगा, मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा, इसके साथ ही व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। इसके साथ ही 24 घंटे के अंदर ही आपकी इंश्योरेंस की सॉफ्ट कॉपी भी आपको मेल पे भेज दी जाएगी। वही सॉफ्ट कॉपी आप लोग को जब भी पुलिस पकड़ेगी तो आप लोग को वही पुलिस वेरिफिकेशन के लिए दिखा देना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आएगी। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों, अपने सभी जानने वाले, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और जानकारी भरी वीडियोज के लिए प्लीज हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।